आज मैं इस ब्लूटूथ हेडफोन का यूज करके एक बहुत ही काम का चीज बनाने वाला हूँ। तो देखा जाए तो इस ब्लूटूथ हेडफोन का एकदम सब कुछ खत्म हो चुका है, बैटरी तो नष्ट हो ही चुका है और साथ में इसका जो दो स्पीकर है वो भी निकल चुका है। और इस ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें से उसका चार्जिंग पिन एकदम उखड़ चुका है। अब देखना है कि ये सर्किट काम करता है कि नहीं। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये जो सर्किट है काम तो कर जाएगा, लेकिन चार्ज होगा कि ये बहुत ही बड़ी बात है। फिलहाल अगर आप लोग इस चीज को बनाना चाहते हो जो मैं आज बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों को कोई नया ब्लूटूथ हेडफोन यूज करने का कोई जरूरत नहीं। और अगर आप लोगों के पास खराब ब्लूटूथ हेडफोन नहीं है तो आप लोग किसी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले शॉप पे जाकर वहां से एक ब्लूटूथ हेडफोन मांग सकते हैं जो कि खराब हो। मैंने इस सर्किट बोर्ड के अंदर दो वायर्स को कनेक्ट किया है चार्जिंग पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, और चार्जिंग पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद मेरे को देखना है ये सर्किट चालू है कि नहीं। ये सर्किट एकदम चालू कंडीशन पे है, तो मैंने सोचा कि माइक्रो यूएसबी सॉकेट यूज करूंगा तो एकदम भद्दा लगेगा, तो उससे अच्छा मैं एक टाइप सी सॉकेट यूज करता हूं। तो मैंने टाइप सी सॉकेट के लिए TP40 चार्जिंग मॉड्यूल में से उसका टाइप सी सॉकेट निकाल लिया है। अगर आप लोग चाहो तो किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाकर भी इस सॉकेट को खरीद सकते हो 2-5 रुपए के अंदर। अगर टाइप सी सॉकेट नहीं भी मिला तो कोई टेंशन का बात नहीं है, माइक्रो यूएसबी सॉकेट हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल इस टाइप सी सॉकेट का जो साइड के पिन होता है उसमें से एक पिन होता है पॉजिटिव के लिए, जैसे मैंने येलो वायर को सोल्डर किया है, और ग्राउंड वायर के लिए मैंने ग्रीन वायर को जैसे सोल्डर किया आप लोग भी सोल्डर कर सकते हो। और अगर कनेक्शन पे कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। और इस चीज को कैसे बनाते इसको जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा, और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक तो करना बनता है। और हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक 600 एमएएच का लिथियम सेल का यूज किया, तो चार्ज करने के लिए हमें कोई खास टेंशन नहीं है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद 2-3 साल आराम से चल जाएगा। और ये सेल मार्केट के अंदर सिर्फ 35 रुपए का मिला है, तो प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ता होने वाला है। We'll be right back.